हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में लेक्चर नंबर 4 है उसे दो पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए ये लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, ठीक है। हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। मींस गली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उसको रोकथाम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रोसेस ऑफ गली फॉर्मेशन डिपेंड ऑन, मींस जो हमारा गली जो हमारा डेवलप होता है, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस पे ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टफ एंड अंडरलेइंग हार्ड लेयर, मीन्स रेजिस्टेंस, मीन्स जो हमारा टॉप जो हमारे पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी मृदा है, ठीक है, वो अगर पानी का बहाव हो रहा है तो उसके प्रति कितना प्रतिरोधक है कि वो मृदा कटे ना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक दैट फेवर्स टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ओवर द लैंड सरफेस, मीन्स कि रेनफॉल कैसा हो रहा है या कितना पानी का बहाव करेगा लैंड सरफेस पे, मतलब कि सतह पर कितना पानी का बहाव करेगा, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा गली डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अगला क्या है, वेजिटेशन कवर ऑन द सॉइल सरफेस, मीन्स जो हमारी मृदा है उस पे वेजिटेशन कवर कैसा है, मतलब कि कौन सी घास है उगी हुई, कौन सी फसल लगाई गई या खुली हुई है, तो वेजिटेशन कवर जो है ये इसके ऊपर भी हमारा गली डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। अगर वेजिटेशन कवर है मतलब पूरी तरह से घास से भरी हुई जमीन है तो क्या होगा, मृदा कटाव बहुत कम होगा, ठीक है। अगला क्या है, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग लैंड स्लोप, ठीक है। टोपोग्राफी मीन्स बताए थे हमने आपको कि उस एरिया का स्लोप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी किसमें, गली डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। गली जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें ये भी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कैसा गली बनेगा, ठीक है। अगर स्लोप ज़्यादा है तो कौन सी गली बनेगी, वी शेप, अभी आगे पढ़ेंगे वी शेप या तो यू शेप गली की स्लोप में कौन सा गली बनता है, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी स्पेशली लैंड स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्या है, क्रिएटिंग लैंड सरफेस विदाउट वेजिटेशन, ठीक है, क्रिएटिंग लैंड सरफेस विदाउट वेजिटेशन, तो अगर लैंड सरफेस हमारा है बिना वहाँ पे कोई घास नहीं है, कोई फसल नहीं है, तो क्या होगा, गली बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, फॉल्टी टीलेज प्रैक्टिस, सपोज डेट हमारा एक बेयर लैंड है और हम उसमें टीलेज करके मतलब जुताई करके छोड़ दिए तो क्या होगा, गली डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगा। अगला क्या है, ओवर ग्रेजिंग अब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव कवर, ठीक है। अगर किसी फील्ड में हमने क्या किया, अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा वहाँ पे बांधकर जो हरी घास है उसको चरा दिया तो क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग मीन्स होता है पशुओं द्वारा घास को चरना, ठीक है, या खाना, तो उस फील्ड से अगर पशु क्या है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में घास को खा जा रहे हैं मतलब चर जा रहे हैं तो क्या होगा, तब भी गली डेवलपमेंट बहुत जल्दी से हो जाएगा, गली फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, नॉट स्मूथनिंग ऑफ रिल्स चैनल प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। जैसा हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि गली क्या है, एडवांस स्टेज ऑफ द रिल्स इरोजन, ठीक है, मतलब कि जो हमारा रिल्स का है रिल इरोजन है उसी का ये एडवांस स्टेज है। तो रिल को हमने बताया था चैनल भी बोलते हैं, ठीक है, रिल या तो चैनल बोलते हैं ना, अगर हमारे जो फील्ड में क्या है रिल या चैनल पहले से है, अगर उसे हम फार्म इम्प्लीमेंट की सहायता से अगर उसे हम सही नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, गली डेवलपमेंट वो गली में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गली में बदल जाएगा वो, ठीक है। अगला क्या है,
इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर चैनल्स रोड रेल्स लाइन्स। अगर सही तरीके से जो हमारा पानी ले जाने वाला नाली है और क्या है रोड्स है रेल्स लाइन्स है एक्सेट्रा और ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं बनी है, सपोज डेट कि रोड बन रहा है साइड से बहुत सारी मिट्टी उठा के किनारे में डाल दिए, क्या होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप हो जाएगा, तो पानी अगर ऐसे स्लोप पे जाएगा तो क्या होगा गली डेवलपमेंट हो जाएगा इजीली। ठीक है, आगे क्या है प्रोसेस ऑफ गली डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गली डेवलपमेंट, गली कैसे डेवलप होता है। अभी तो हमने जाना कि गली डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, किस किस चीज़ों पे गली फॉर्मेशन डिपेंड होता है। अब क्या है गली डेवलपमेंट का प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आफ्टर इनिशिएशन गली डेवलपमेंट इज एक्सीलरेटेड बाई इरोजन ऑफ द बेड एंड साइड ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, आफ्टर इनिशिएशन मतलब कि जब हमारा रिल्स इरोजन हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग कहा था कि रिल्स क्या है एडवांस स्टेज है गली इरोजन का। ठीक है, तो जब हमारा गली शुरुआत में जब हमारा गली प्रारंभ होता है तो क्या होता है उसके बेड्स एंड साइड, ठीक है, क्या होते हैं फ्लोइंग वाटर के थ्रू, मतलब जब हमारा पानी बहता है तो उसके थ्रू जो बेड है मतलब सतह है और साइड के वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कटते हैं। ठीक है, बहते हुए पानी के माध्यम से क्या होता है जो हमारा सतह है और साइड मतलब किनारा है वो कटता है, उसका कटाव होता है। ठीक है, आगे क्या है स्लाइडिंग एंड मास मूवमेंट ऑफ द साइड्स ड्यू टू सीपेज एंड अंडर कटिंग फ्लो। ठीक है, स्लाइडिंग एंड मास मूवमेंट ऑफ द साइड्स। ठीक है, साइडिंग जो साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कटता है, कैसे वो सीपेज के थ्रू एंड अंडर कटिंग ऑफ फ्लो। और जब हमारा नाली है सपोज डेट रिल्स है या गली ही है तो गली में जब पानी ऐसे बह रहा है तो क्या होगा वो साइड से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा मृदा को काटेगा। और सीपेज हमने आपको बताया था कि लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, सीपेज को हमने क्या बताया था ऐसे अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर कोई वाटर है जमीन के अंदर वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है दन सीधा तो उसे अपन बोल लेते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर यही चीज़ साइड में हो रही है तो इसको हम सीपेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सीपेज होता है नाली में जो साइड से पानी ऐसे रिसता है उसे उस रिसाव को क्या बोलते हैं हम लोग सीपेज। ठीक है, तो सीपेज के थ्रू क्या होता है वो सारी मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है। ठीक है, तो जब पानी बहता है उसमें गली में तो वो साइड से क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में उसका कटाव होता है। ठीक है, आगे क्या है वाटरफॉल इरोजन एट द गली हेड रिजल्टिंग कटिंग ऑफ द गली बैंक। ठीक है, वाटरफॉल इरोजन एट द गली हेड रिजल्टिंग कटिंग ऑफ द गली बेड। सपोज डैट कि कोई क्या है गली है एक इस शेप में गली है। ठीक है, यू शेप में मान ले या तो वी शेप में मान ले तो एक गली है वहां से क्या हो रहा है पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है ऊपर से बरसात हुई तो क्या होगा वो किनारे को क्या करेगा अधिक मात्रा में उसका कटाव होगा। जो हमारा किनारा है अगर स्लोप है अगर यहाँ बरसात हुई तो इसका जो किनारा है वो ज़्यादा मात्रा में उसका कटाव होगा। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, गली डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट। ठीक है, गली कितने स्टेज में डेवलप होता है। ठीक है, तो वो चार स्टेज में होता है। फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट नोन एज इनिशियल स्टेज। ठीक है,
इनिशिएशन स्टेज या तो इसी को फॉर्मेशन स्टेज भी बोलते हैं, अभी आगे पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या है? डेवलपमेंट स्टेज, एंड थर्ड स्टेज हीलिंग स्टेज, एंड लास्ट वन स्टेबलाइज्ड स्टेज। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है इनिशिएशन स्टेज या तो फॉर्मेशन स्टेज, दूसरा क्या है? डेवलपमेंट स्टेज, तीसरा क्या है? स्टेबलाइज स्टेज, लास्ट क्या है, सॉरी तीसरा क्या है? हीलिंग स्टेज, एंड लास्ट वन स्टेबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, ये चार स्टेज आपको याद रखने हैं। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि गली डेवलपमेंट स्टेज थर्ड इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? हीलिंग स्टेज। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो स्टेज फर्स्ट, ठीक है, क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन स्टेज या तो इनिशिएशन स्टेज, मींस प्रारंभिक स्टेज या तो उसके या तो फॉर्मेशन स्टेज। इसमें क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ गली इरोजन, गली इरोजन का इसमें प्रारंभ होता है। ठीक है, चैनल इरोजन भी इसमें होता है। ठीक है, चैनल इरोजन, डीपनिंग ऑफ द गली बेड, जो गली का सतह है वो क्या होता है? गली का सतह जो है वो गहरा होता है इसमें। ठीक है, डिपेंड ऑन टॉप सॉइल एंड अदर फैक्टर्स, और ये जो बेड है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है गहरा होना? ये टॉप सॉइल और दूसरे फैक्टर पे, और दूसरे सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। अगला क्या है? दिस स्टेज प्रोसीड स्लोली इफ टॉप सॉइल इज रेजिस्टेंस, यह स्टेज कैसा है? यह धीरे धीरे गहरा होगा, मतलब कि हमारा जो बेड है, किनारा है, वो धीरे धीरे गहरा होगा। यदि टॉप सॉइल क्या है? इज रेजिस्टेंट। ठीक है, यदि वो जो उस बेड के ऊपर वाला जो मृदा है, अगर वो प्रतिरोधक है, तो इसमें क्रिया गली डेवलपमेंट का धीरे धीरे होगा। ठीक है, अगला क्या है? स्टेज सेकेंड, स्टेज सेकेंड को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, मेजर फॉर्मेशन ऑफ द गली एंड इरोजन टेक प्लेस। इस स्टेज में क्या होता है? सबसे ज्यादा गली का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ही क्या होता है? इरोजन भी होता है, मृदा का कटाव भी ज्यादा होता है, और गली डेवलपमेंट ज्यादा होता है। आगे क्या है? अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द गली हेड, अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द गली हेड मींस गली ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आगे क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ गली इन विड्थ एंड डेप्थ, गली क्या चौड़ाई और गहराई में बढ़ती चली जाती है, इसमें ज्यादा तीव्रता से गहराई और चौड़ाई में गली बढ़ती है। ठीक है, गली बैंक्स आर इरोडेड टू मैक्सिमम एंड विड्थ बिकम मैक्सिमम। ठीक है, गली बैंक्स जो गली के किनारे हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा इरोडेड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पे मृदा का कटाव होगा, कहाँ पे? गली के किनारों पे मृदा का सबसे ज्यादा कटाव होगा, एंड और उसके चौड़ाई में भी, सॉरी गली के किनारों का सबसे ज्यादा कटाव होगा, और उसकी चौड़ाई जो है, गली का चौड़ाई एकदम मैक्सिमम हो जाता है इस स्टेज में। ठीक है, अगला क्या है? थर्ड स्टेज क्या है? ये हीलिंग स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा बार यही पूछा गया है। थर्ड स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट नोन एज हीलिंग स्टेज। ठीक है, तो क्या है? ये लोकल वेजिटेशन स्टार्ट ग्रोइंग इन द गली एंड गेट स्टेबलाइज्ड, इसमें क्या होता है हीलिंग स्टेज में? जो है हरी घासें, मतलब जो सामान्य तौर की घासें हैं, वो इसमें उगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वो इसमें उगने लगते हैं। ठीक है, नो सिग्निफिकेंट इरोजन इन एनी फॉर्म फ्रॉम गली सेक्शन, और इसमें किसी भी गली के साइड में या किसी भी गली के हिस्से में इरोजन नहीं होता है। लास्ट क्या है? स्टेज फोर, इसको स्टेबलाइजेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। स्टेज फोर को क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट, यह क्या है? अंतिम चरण है गली डेवलपमेंट का। ठीक है,
गली गेट्स फुल्ली स्टेबलाइज्ड, गली क्या होता है पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाता है, गली रीचेस रीच अ स्टेबल ग्रेडियंट। ठीक है, गली अपने एक स्टेबल ग्रेडियंट पे पहुंच जाती है। सफिशिएंट वेजिटेशन कवर्स डेवलप्स ओवर द गली सरफेस, क्या होता है एक उचित मात्रा में वेजिटेशन गली के सतह पे उग जाता है। ठीक है, आगे क्या है, नो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ गली अनलेस हीलिंग प्रोसेस इज डिस्टर्बेड। ठीक है, क्या है इसके बाद कोई भी इसमें गली डेवलपमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा जब तक कि जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गली, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा गली डेवलपमेंट को कौन कौन से चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, गली डेवलपमेंट होता कैसा है, गली डेवलपमेंट स्टेज कौन कौन से हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गली के प्रकार। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गली, तो पहले क्या बेस्ड ऑन गली को किन किन आधार पर बांटा गया है, शेप ऑफ द गली, गली को क्या है उसके शेप मीन्स आकार के अनुसार बांटा गया है। दूसरा स्टेट ऑफ द गली, गली को उसके स्थिति के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द गली, गली के डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है, मीन्स लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइज उसको बोलते हैं। ठीक है, लंबाई डायमेंशन मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ द गली, गली के आकार के अनुसार बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है शेप गली। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यू शेप मतलब ना कोई गली ऐसे जैसे कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है डेवलप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं यू शेप गली। ठीक है, इट इज फाउंड इन एलुवियल प्लेन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पाया जाता है एलुवियल प्लेन्स में, वेयर सरफेस एंड सब सरफेस सॉइल आर इरोडेड। ठीक है, जहाँ पे कि सरफेस और सब सरफेस सॉइल मतलब कि मृदा क्या होता है बहुत आसानी से मृदा का कटाव हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल साइड वॉल्स इन यू शेप, जो इसके वर्टिकल साइड के वॉल्स हैं मतलब कि किनारे हैं वो यू शेप में होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है डेवलप एलुवियल प्लेन्स में, जहाँ की मृदा आसानी से मृदा का कटाव हो जाता है, जहाँ की मृदा का आसानी से कटाव हो जाता है। अगला क्या है वी शेप। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि यू शेप में था, वी शेप गली इस शेप में होगा। ठीक है, तो क्या है वेयर सब सॉइल आर टफ, मतलब जहाँ की मृदा जो है बहुत ज़्यादा सब सॉइल जो है बहुत ज़्यादा कठोर होती है, टू रेजिस्ट द रैपिड कटिंग ऑफ द सॉइल बाय द, जो कि जहाँ की मृदा बहुत ज़्यादा कठोर होती है ये वहाँ डेवलप होता है, और जो कठोर होती है वो मृदा का शीघ्रता से कटाव का प्रतिरोध करती है। ठीक है, जब पानी का बहाव होता है तो मृदा का तीव्रता से कटाव का प्रतिरोध करती है, वी शेप गली वहाँ पे डेवलप होता है। अगला पॉइंट क्या है रेजिस्टेंस टू इरोजन इंक्रीज विथ डेप्थ, रेजिस्टेंस टू इरोजन इंक्रीज विथ डेप्थ, मृदा का कटाव रोकने के कारण से इसके गहराई में वृद्धि होती है। ठीक है, कॉमन इन हिली रीजन्स, और ये कहाँ पर डेवलप होते हैं हिली रीजन्स में, वी शेप गली हिली रीजन्स में, यू शेप गली एलुवियल प्लेन्स में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, ये जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से आपके पार्ट ए में ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, क्या है फ्लो वेलोसिटी हाई इन वी शेप गली बट
फ्लो वैल्यूम या तो डिस्चार्ज इज हाई इन यू शेप गली, ठीक है। मीन्स जो हमारा ये वी शेप गली है इसमें क्या होगा, पानी की बहाव की तीव्रता तेज होगी, मतलब कि पानी के बहाव की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बट जो हमारा ये जो यू शेप गली है इसमें क्या होगा, इसमें पानी का क्वांटिटी मीन्स पानी अधिक मात्रा में इसमें बहेगा यू शेप गली में, ठीक है। मीन डिस्चार्ज रेट इज हाई इन यू शेप गली बट लो इन वी शेप गली, और वी शेप गली में क्या है कि वेलोसिटी हाई है लेकिन कम किस में है, यू शेप गली में वेलोसिटी कम होती है लेकिन वेलोसिटी वी शेप में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, वी मीन्स वी, वी शेप गली मीन्स वी, वी मीन्स ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। वी गली में क्या होता है, वेलोसिटी अधिक होता है, यू शेप गली में डिस्चार्ज रेट अधिक होता है ना। आगे देखते हैं, गली को आगे क्लासिफाइड किया गया है किस बेस पे, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द गली, ठीक है। इसमें पहला क्या है, एक्टिव गली। एक्टिव गली क्या होता है, आर दोज गली हुज डायमेंशंस आर इनलार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि इनलार्ज विथ टाइम। एक्टिव गली वो गली है जिसके डायमेंशंस मीन्स लंबाई चौड़ाई गहराई ये सारी चीज़ें क्या रहे, समय के साथ बढ़ती हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एक्टिव गली कहते हैं। साइज इनलार्जमेंट इज बेस्ड ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक लैंड यूज एंड वैल्यूम ऑफ रन ऑफ पासिंग थ्रू द गली। क्या है साइज इनलार्जमेंट, मतलब कि जो हमारी गली की साइज बढ़ रही है वो किस पे निर्भर करती है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि मृदा के कौन कौन से गुण है उसके ऊपर, मृदा के गुण के ऊपर से वो प्रभावित होगा जो हमारी गली की साइज बढ़ रही है। और क्या है लैंड यूज, वहाँ की जमीन किस चीज़ के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इससे भी क्या होगा ये जो गली हमारी बढ़ रही है उस वो प्रभावित होगी। एंड वैल्यूम ऑफ रन ऑफ पासिंग थ्रू द गली, और गली में से कितनी रन ऑफ मतलब कि कितना रन ऑफ हो रहा है, पानी का कितना बहाव हो रहा है, वो भी चीज़ें क्या करेगी गली के साइज के जो बढ़ रही है उस पर प्रभावित उसको प्रभावित करेगी, ठीक है। इट इज फाउंड इन द प्लेन एरिया, ये कहाँ पाया जाता है, प्लेन एरिया में, ठीक है, मतलब कि समतल एरिया में ये पाया जाता है इस जो हमारा एक्टिव गली है, ठीक है। आगे क्या है, इन एक्टिव गली आर दोज गली हुज डायमेंशंस आर कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इनएक्टिव गली वो गली होता है जिसके डायमेंशंस मीन्स की लंबाई चौड़ाई गहराई ये सारी चीज़ें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, जो कि ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो उस गली को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव गली। और आगे क्या है, इट इज़ फाउंड इन द रॉकी एरिया, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, रॉकी एरिया में, ठीक है, जहाँ पे कंकड़ीली जमीन होगी मतलब पथरीली जमीन होगी वहाँ पे ये गली पाए जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव गली। आगे क्या है, तीसरा जो हमारा है, बेस्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ द गली। अब गली को फिर से फर्दर क्लासिफाई किया गया है मतलब पुनः से क्लासिफाई किया गया है किसके आधार पे, डायमेंशन के आधार पे। तो सबसे पहले क्या है, स्मॉल गली, ठीक है। स्मॉल गली क्या होता है, इट इज दोज गली विच कैन ईजली बी क्रॉस बाई द फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड रिमूव बाई द प्लाउजिंग एंड स्मूथिंग ऑपरेशन एंड स्टेबलाइजिंग द वेजिटेशन। मीन्स स्मॉल गली वो गली है जिसे हम फार्म इम्प्लीमेंट्स से मतलब कि कृषि में जो हमारे फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो हमारे कृषि के उपकरण होते हैं, उसके माध्यम से हम जो हमारी स्मॉल गली है इसको हम आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, एंड रिमूव बाय द प्लाउजिंग एंड स्मूथनिंग ऑपरेशन। और इसे हम जुताई करते समय या तो स्मूथनिंग ऑपरेशन करते समय जो जब हम जमीन को समतल बनाते हैं उससे भी क्या होता है, ये हमारी स्मॉल गली ख़त्म हो जाती है। एंड बाय द स्टेबलाइजिंग द वेजिटेशन, और हम वेजिटेशन क्रिएट करके भी इसे
रोक सकते हैं। अब क्या है, मीडियम गली, दूसरा क्या है, मीडियम गली, ठीक है। इट कैन नॉट बी इजिली क्रॉस बाय द फार्म इम्प्लीमेंट, जो हमारी मीडियम गली है इसे हम फार्म इम्प्लीमेंट के माध्यम से आसानी से नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन बी कंट्रोल बाय द टेरेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टेरेसिंग ऑपरेशन करके, ठीक है। टेरेसिंग ऑपरेशन क्या होता है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। टेरेसिंग ऑपरेशन में होता है कि ढलान में, ठीक है, ये हमारी स्लोपी एरिया है सपोज डेट, तो इसमें लाइक डेट स्टेयर केस फार्मिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे इस शेप में फार्मिंग करते हैं तो मृदा का कटाव नहीं होता है, ठीक है। स्टेयर केस मतलब कि सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो टेरेसिंग आगे पता चल जाएगा, तो मीडियम गली को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टेरेसिंग ऑपरेशन से। लास्ट वन क्या है, थर्ड वन, लार्ज गली। लार्ज गली क्या है, इट कैन नॉट बी रिक्लेमेंटेड, इसे सही नहीं किया जा सकता, मीन्स लार्ज गली जो है इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे सुधारा नहीं जा सकता। फॉर कंट्रोलिंग सच गली द ट्री प्लांटिंग इज डन एन इफेक्टिव मेथड, इस जो हमारी लार्ज गली है इसको कंट्रोल करने के लिए वृक्ष लगाना ही सबसे अधिक सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया गली के क्लासिफिकेशन को। गली को एक बार पुनः बता रहे हैं, तीन भागों में बांटा गया, तीन चीजों के आधार पर बांटा गया। पहले साइज था, ठीक है, शेप, सॉरी, फर्स्ट वन शेप के अकॉर्डिंग, सेकेंड वन क्या था, वो था स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेट मीन्स किस कंडीशन में, अवस्था में किस है, ठीक है। ये शेप कैसा था, यू शेप एंड वी शेप, स्टेट के कंडीशन में क्या था, एक्टिव गली, इनएक्टिव गली, और लास्ट वन था डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इन तीनों के रिस्पेक्ट में गली को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी अच्छे से, और जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करते हैं आप लोग उसे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। वो पार्ट ए में वहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं, इसीलिए उस पॉइंट पर हम ज़्यादा जोर देते हैं कि आप लोग उसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।